गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करोना पढ़ाई में। और आज हम आ चुका है 7th स्टैंडर्ड के साइंस के साथ। और आज के हमारे चैप्टर का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और ये हमारा लास्ट पार्ट है। चलिए पढ़ाई करते हैं। सॉइल टेस्टिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द वेरियस इंग्रेडिएंट्स ऑफ सॉइल कैन बी डिटरमाइंड बाय सॉइल टेस्टिंग। ड्यूरिंग सॉइल टेस्टिंग द सॉइल इज एग्जामिन फॉर कलर, टेक्सचर एंड proportion of organic matter. In it, soils is tested to find out if there is a deficiency of an ingredient and to decide what measures should be taken to remove that deficiency. The soil example collected from the testing is dried in an open space in the shade for 8 to 10 hours. If then it is shifted through a sieve to test namely the pH and the electric conductivity test are particularly separated, useful to find out the characteristics of soil. You may determine the fertility of the soil in the fields with the help of testing. अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा, टेस्टिंग ऑफ सॉइल कैसे होती है। टेस्टिंग ऑफ सॉइल क्या होता है दोस्तों? टेस्टिंग ऑफ सॉइल में हमें क्या पता चलता है, उससे जो सॉइल का जो ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक कलर है, ऑर्गेनिक जितने भी चीज़ें हैं सॉइल में, जैसे सॉइल में अगर कोई आयरन वगैरह की जो डेफिशेंसी है पर वो डेफिशेंसी नहीं होनी चाहिए, उसे पूरा करना है, तो वो पूरा करने के लिए सॉइल टेस्टिंग होती है दोस्तों। और सॉइल टेस्टिंग पूरी हो जाती है जब क्या होता है तभी जब उसकी डेफिशिएंसी डिटेक्ट हो जाती है। फिर डेफिशिएंसी डिटेक्ट होने के बाद हम सॉइल कलेक्ट एग्जांपल फिर उसको 8 से 10 दिन के लिए ओपन में रख दिया जाता है दोस्तों। अभी ओपन में रखने के बाद क्या होता है, सॉइल टेस्टिंग के और एक वेरी अच्छा एग्जाम्पल है दोस्तों, जो हमें बहुत ज़्यादा काम में आता है, हम उसके कैरेक्टर्स के डिटरमाइन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा, उसके जो कैरेक्टर स्केच होते हैं वो हमारे लिए बहुत काम के होते हैं दोस्तों। तो हम उसे क्या कर सकते हैं, सॉइल टेस्टिंग की वजह से हम वो डिटरमाइन कर सकते हैं कि उसमें कौन से कैरेक्टर स्केच है, वो कैसी है, वो कितना पानी ऑब्जॉर्व करके रख सकती है, वो कितना पानी छोड़ सकती है, और फिर वो फर्टाइल कितनी है, ये सारे कैरेक्टर स्केच हम जान सकते हैं इससे है दोस्तों। कॉजेशन ऑफ डिमिनेशन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल pH less than 6 or higher than 8, low property of organic matter, no proper drainage of water, repeated cultivation of the same crop, continuously use of saline water, excessive use of chemical fertilization and pesticides. World Soil Day is equal to 5th, ये जो World Soil Day होता है semicolon 5th December to make the efforts of conservation of soil। ठीक है दोस्तों, अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं ग्रेट साइंस के ऊपर। द दानिश साइंटिस्ट सर्वे पुट द 4th कॉन्सेप्ट ऑफ pH बेस्ड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन IONS to determine the pH of soil। A mixture of water and the soil in the proportion of 1:2 is taken and tested using several indicator. According, soil may be found to be only one of three types: arctic soil, neutral soil, aqueous soil. Soil texture is distributed. Always remember, soil texture is disturbed if the chemical fertilizer are used excessively and the land becomes unsuitable for sowing. Crops should be rotated in the order to maintain the fertility of land. For example, the fertility of the land decreases after harvesting of wheat. Hence, leguminous crops like peanut, mung, moth bean, pean, lititin, Bengal gram, soya bean should be cultivated to restore the fertility of soil.
अभी हमारा चैप्टर तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, पर एक शॉर्ट रिवीजन हो जाए हमारे चैप्टर के। मैं चलो पहले पेज पे आ जाता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं अभी हम पहले पेज पे आ चुके हैं। अभी पहले पेज पे हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर पढ़ा था। पहली प्रॉपर्टी क्या थी? मास एंड वेट के बारे में। एयर एयर को वजन है, एयर हैज़ वेट, एयर हैज़ मास एंड वेट। और फिर आगे हम देखेंगे एटमॉस्फेयर प्रेशर के बारे में, हम लोगों ने इसके भी बारे में पढ़ा था। ये तो इंजेक्शन से काम कर जाती है, वरना तो हम पिचकारी से भी कम कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं एटमॉस्फेयर प्रेशर इज़ सेम इन ऑल डायरेक्शन। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? फिर इसके बाद हम लोगों ने एयर प्रेशर के और भी इफ़ेक्ट्स देखे दोस्तों। ये हम लोगों ने देखा एक और एक एक्सपेरिमेंट दोस्तों। फिर हम आ जाते हैं एयर के और एक प्रॉपर्टी के ऊपर, जो पानी के, जो अगर हम लोगों ने आइस डाल दिया पानी के ऊपर तो बार बार बाहर से ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं दोस्तों। हम लोगों ने ये भी प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अभी हम आगे आ जाते थे ये प्रॉपर्टी ऑफ एयर के ऊपर, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मैंने हम लोग पहना था वाइट के, वाइट में से 7 कलर निकलते हैं। वो 7 कलर मैं आपको आगे जाके और बताऊंगा, इसका आगे जाके चैप्टर में है, मैं आपको बताता हूँ। वर्टिको है दोस्तों उसका मतलब। और फिर आगे हम आ जाते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा था? जो लाइट है वो अलग अलग इसमें स्कैटर हो जाता है जब बारिश के बाद। जब हम ये देखते हैं रेनबो, रेनबो में स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है दोस्तों। फिर ये फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट दोस्तों। फिर हम आगे आ जाते हैं और टेम्परेचर रेगुलेशन के ऊपर। टेम्परेचर रेगुलेशन में क्या होता है? टेम्परेचर ऊपर ज़्यादा जाती है। ट्रांसमिशन ऑफ साउंड में क्या होता है? हवा के बना साउंड ट्रांसमिट नहीं कर पाती, हवा के बना साउंड इधर उधर नहीं जाता। और फिर अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या देख रहे हैं? इमेजेस में पानी जो बॉटल होती है उसका शेप ले लेता है, पानी कैसे भी किसी का भी शेप ले लेता है। और अभी हम यहाँ इधर हम लोगों ने उसमें बॉल बॉल कर दिया, होल होल कर दिए एक बलून के ऊपर, एक वाटर बलून के ऊपर। तो आप देख सकते हो वाटर कैसे अपने को, अपने खुद को अडाप्ट करके उसमें से बाहर निकल रहा है दोस्तों। फिर इसमें भी आप देख सकते हो जो टंकी है उसको होल हो चुके हैं। तो होल हो चुके हैं तो क्या हुआ? जो पानी है वो नीचे गिर रहा है। और फिर इसमें क्या है? पाइप से पानी दूसरी इसमें जा रहा है दोस्तों। फिर इसमें हम आगे आते हैं। आगे आके हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट जो फ्लोट करते हैं और जो फ्लोट नहीं करते हैं। आइस क्या होती है? वो फ्लोट करती है क्योंकि वो क्या होती है? पानी से कम हो जाती है फ्रीज होने के बाद। उसका जो टेम्परेचर है, जो डेंसिटी है, वो पानी से कम हो जाती है दोस्तों। तो फिर वो उसके ऊपर फ्लोट करने लग लेती है। फिर यहाँ पे हम लोगों ने बिहेवियर ऑफ वाटर के बारे में पढ़ा था दोस्तों। फिर अभी हम आ जाते हैं बिहेवियर ऑफ वाटर पे ही थे हम लोग। फिर हम लोग इसके आगे आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर के ऊपर। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर का ही हमारा लास्ट पार्ट था इसके बारे में। और फिर हम आ जाते हैं सॉइल के ऊपर, सॉइल की प्रॉपर्टीज के ऊपर। सॉइल की प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने ये दो टाइप पढ़े थे। और फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर में क्या पढ़ा था? सैंडी सॉइल, स्लेट सॉइल, क्ले सॉइल के बारे में। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा था? यूजेस ऑफ सॉइल के बारे में। फिर उसके बाद क्या पढ़ा? सम यूजफुल टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में। सम यूजफुल टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में क्या पढ़ा था? सॉइल टेस्टिंग के बारे में। सॉइल टेस्टिंग होने के बाद कॉजेशन ऑफ डिमिनेशन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी के बारे में पढ़ा था। और हमारा चैप्टर हो जाता है ख़त्म। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और कमेंट्स में ये ज़रूर बताना आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करते भी जाना। तब तक के लिए गुड बाय।